जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज मनन एंड यू आर वाचिंग गवर्नमेंट नोट ऑन व्हील्स एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों आज इस वीडियो हम जानेंगे टर्बो चार्जर के बारे में। सबसे पहला ये दिखता कैसा है, दूसरा ये काम कैसे करता है, तीसरा टर्बो लैग क्या होता है, चौथा टर्बो चार्जर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ऐसा कुछ टर्बोचार्जर होता है जो आपके टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में लगा रहता है या डीजल इंजन में लगा रहता है। तो दोस्तों इसकी अब हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1905 में अल्फ्रेड बूची नाम के एक इंजीनियर थे जो कि स्विस इंजीनियर थे, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और 1915 पे जाके इसका जो है पहला प्रोटोटाइप रिलीज आउट किया। लेकिन उसके बाद भी वो इतना सही से काम नहीं कर पाया और इस पर इन्वेंशन चलते रहे। दोस्तों इसका जो मेन एम था, काम जो ये बनाया गया था वो था आपके जो एयरक्राफ्ट्स हैं और जो आपकी बोट्स हैं उनके पावर आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। जब एयरक्राफ्ट सबके हायर एल्टीट्यूड पर जाते थे तो उनका पावर आउटपुट कम हो जाता है, उसको ओवरकम करने के लिए। और आपकी जो बोट्स जब नदी में चलती थी तो उसके पावर आउटपुट जो कम हो जाते थे उसको भी इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था। फिर धीरे धीरे ये डीजल इंजन्स में भी आना शुरू हुआ और आज की डेट में जब डीजल इंजन्स लोग कम पसंद कर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो लोग टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को लेना भी पसंद कर रहे हैं कि उनका जो पावर आउटपुट है वो कहीं से कहीं तक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से ज़्यादा मिलता है, तो पावर से उनको कोई कमी करने भी ना पड़े और जो पॉल्यूशन है वो भी कम हो। तो दूसरा प्रोसेस आता है वो है इसका वर्किंग प्रोसेस, कि ये काम कैसे करता है। तो उसको समझाने के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक डायग्राम तैयार किया है, तो उसके थ्रू हम इस प्रोसेस को समझेंगे। तो दोस्तों आज इस वाले डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इसका वर्किंग प्रोसेस। तो ऊपर की तरफ आप जो ब्लैक चीज़ देख रहे हैं वो है आपका टर्बो चार्जर और नीचे की तरफ आप जो देख रहे हैं वो है आपका इंजन का पिस्टन सिलेंडर और पिस्टन। अब यहाँ पर जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है वो हो गया है कंप्रेशन प्रोसेस और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गैस जो आपके साइलेंसर के थ्रू निकलती है वो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो चेंज किया है वो है ये कि साइलेंसर जगह पहले टर्बाइन ब्लेड को हिट करेगी। अब एक चीज़ बता दूं, जो आपका टर्बाइन ब्लेड है और इधर की तरफ जो आपका कंप्रेसर ब्लेड है वो दोनों सेम शाफ्ट से कनेक्टेड है और उनकी डिजाइनिंग इस तरीके से की गई है कि अगर आपका टर्बाइन ब्लेड क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो जो आपका कंप्रेसर ब्लेड है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो दोस्तों हुआ क्या, जो आपकी टर्बाइन है वो आपकी जो हीटेड एयर है उसको बाहर फेंक रही है, वहीं दूसरी तरफ कंप्रेसर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले रहा है और उसे कंप्रेस कर रहा है। वहीं वो कंप्रेस होती है वापस से गर्म हो जा रही है, फिर उसके बाद वो नीचे आ रही है एयर कूलर में। एयर कूलर का यहाँ पर मेन काम यह है कि वो एयर को जो है वो ठंडा कर देगा और उसको जो है पिस्टन में डाल देगा, जिससे जो कंप्रेशन प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। यहीं अगर एयर कूलर नहीं होता तो जो है कंप्रेसर क्या करता, कंप्रेसर ने काम कर दिया था कि जो एयर को वो गर्म कर दिया था उसने, लेकिन अगर यहाँ एयर कूलर नहीं होता तो गर्म गर्म एयर पिस्टन में जाती और पिस्टन अपना काम फिर से करता, फिर से वो एयर को गर्म करता, कंप्रेस करता, वो एयर फिर से गर्म हो जाती, फिर क्या होता जो पिस्टन सिलेंडर है उसके फटने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एयर कूलर है तो इसलिए इसने आराम से अपना एयर फिर से कूल हुआ और अपना पिस्टन के अंदर आ गया और पिस्टन जो है इसे कंप्रेस करेगा और फिर से ये ऐसी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मेन काम क्या होता है इसका, मेन काम यह है कि जो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा एयर आपके इंजन तक प्रोवाइड कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंबशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट आपके टायर्स को डिलीवर किया जाए। अब बात आती है टर्बो लैग की। टर्बो लैग होता क्या है दोस्तों, जितने भी टर्बो चार्ज इंजन होते हैं उनमें मैंने देखा है जैसे क्रेटा हुई, आपकी वर्ना हुई, वेन्यू हुई और हुंडई की और भी कार्स हैं और भी कंपनी की टर्बो चार्ज कार्स हैं, उसमें होता है क्या, टर्बो स्टार्ट होने का भी एक पर्टिकुलर समय होता है कि 2000 आरपीएम के बाद टर्बो स्टार्ट होगा या 1500 आरपीएम के बाद टर्बो स्टार्ट होगा। तो उसमें होता क्या है कि आपकी जो उससे नीचे जब आपकी निडल रहती है आरपीएम निडल, जैसे 2000 आरपीएम से नीचे आप ड्राइव कर रहे हो तो उस वक्त क्या है, उस वक्त आपका जो टर्बो चार्ज इंजन है वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की तरह काम करेगा। क्या करेगा कि वो एयर एटमॉस्फेयर से लेगा अपना और वो सिर्फ अपना कंबशन करेगा और अपना एग्जॉस्ट दे दिया, आपका जो पिस्टन है वो मूव हुआ और जो क्रैंकशाफ्ट है उसने आपको टायर्स तक आपके वो पहुँचाई पावर और वो अपना काम उसने कर लिया। लेकिन जैसे ही आपने 2000 आरपीएम अपना क्रॉस किया तो हुआ क्या, जो आपकी टर्बाइन थी, जो टर्बाइन का जो ब्लेड था वो एयर उसमें आई और उसको एयर ने उस टर्बाइन ब्लेड को मूव करना शुरू कर दिया और वैसे ही टर्बाइन का आपने देखा, मैंने आपको बताया कि टर्बाइन का जो शाफ्ट रहता है, टर्बाइन का जो ब्लेड का शाफ्ट और जो कंप्रेशन के ब्लेड का शाफ्ट सेम रहता है, तो टर्बाइन मूव करनी शुरू हुई, कंप्रेशन इधर से मूव होना शुरू हुआ, एयर कंप्रेशन ने एयर खींची, टर्बाइन मूव हुई, टर्बाइन ने एयर बाहर पाई, कंप्रेशन ने बाहर से एयर खींची, तो वैसे आपका टर्बो जो है काम करना टर्बो ने शुरू कर दिया। तो ऐसे अब जो टर्बो लैग क्या हुआ कि जो आपके 2000 आरपीएम से नीचे जब आपकी कार चल रही थी, जब आपका टर्बो जो यूज़ होना शुरू नहीं होता, टर्बो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उससे
वो जो टाइम है आपकी जब आपने कार स्टार्ट करी और टर्बो चार्ज होने से पहले का टाइम, वो आपका टर्बो लैग खिलाता है। अब बात कर रहे हैं टर्बो चार्जर के एडवांटेजेस की, तो पहला एडवांटेज इसका है कि जो उसका पावर और टॉर्क आउटपुट आपको जो इंजन का होता है वो उसको ये इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। दूसरा बात जो है वो आती है इसका जो वेस्ट जो इंजन प्रोड्यूस करता है वो इस वाले इंजन के साथ कम हो जाता है। जैसे जो आपका अनबर्न फ्यूल होता है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ, तो क्या होता है कि आपका जो फ्यूल आया वो सही से बर्न नहीं हो पाया, लेकिन क्या हुआ दूसरे जो एग्जॉस्ट होने के टाइम पे वो निकल गया, और वो निकल गया जब ही साइलेंसर जो है धुआं छोड़ता है, मतलब जो आपका साइलेंसर जो आप देखते होंगे सफ़ेद सफ़ेद धुआं आता है वो इस वजह से आता है। लेकिन टर्बो चार्जर में क्या है, आपके कार में टर्बो चार्जर रहता है तो उसे फ़ायदा क्या रहता है, उसमें आपका फ्यूल आया, जितना फ्यूल आया है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है बर्न होगा, आपका बर्न होगा, और जब भी जो है गैस निकलेगी, जो फ्यूल की जो एडवांटेज फ्यूल की वो है कि जो चांसेस है निकलने के बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके टर्बो चार्जर के डिसएडवांटेजेस की, तो पहला डिसएडवांटेज है वो है इसका टर्बो लैग का जो प्रॉब्लम आती है उसका, जो अभी मैंने आपको वीडियो के थोड़ा भी अब से पहले ही आपको बताया। दूसरा जो है इसका डिसएडवांटेज वो है इसकी हीटिंग प्रॉब्लम का। होता क्या है, जो आपका टर्बो चार्ज इंजन होता है वो जो हीटिंग उसकी जो रहती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से, वो उसकी हीटिंग ज़्यादा रहती है। तो होता क्या है, उसके लिए प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है कि आप जो है ऑयल कूल्ड टर्बो चार्ज इंजन बनाए जाते हैं, जिससे वो जो है काफ़ी हद तक कूल रह सके और आपका जो आउटपुट है पावर आउटपुट वो आपके साथ वो निकाल सके, जितने आपको चाहिए अच्छी तरह वो निकाल सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आप अगर चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्रॉम माय साइड तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टर्बो चार्जर से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो आप वहाँ पर भी जाके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।